Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. आज सुपर फास्ट डिवीजन में हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। इसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अभी तक आप इस टॉपिक से परेशान हैं, डरे हुए हैं, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मावला क्लासेस की सुपर फास्ट डिवीजन प्लेलिस्ट में पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री देख सकते हैं। पार्ट फोर में लास्ट तक बने रहिए, एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी में जो मजेदार है, लास्ट तक मजा आ जाएगा। तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो जेई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि उसका आंसर कर सकते हैं तो आप जरूर करिए और उसका आंसर कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन को लेके हम लोग हाजिर होंगे। पहले इतना आंसर क्वेश्चन देखते हैं है क्या एग्जैक्टली। एस सेट है 1 2 3 4, सेट में एलिमेंट जैसा कि दिख रहे हैं 1 2 3 4 लिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एस, एस के डिसजॉइंट सबसेट के कितने और अनऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑप्शन में 25 है, 34, 42 and 41, जो भी सुटेबल आंसर हो कमेंट्स करें और हम हाजिर होते हैं सॉल्यूशंस और ट्रिक के साथ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ओर। जिन्होंने क्वेश्चंस का आंसर निकाला होगा और कमेंट किया होगा उनके लिए थैंक यू, शुक्रिया। देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस की हाईलाइट, क्वेश्चन एक्जैक्टली था क्या अगर भूल गए हो। यहाँ पे क्वेश्चन की हाईलाइट दिखा रहे हैं कि एक हमारे पास सेट था जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 और हमें निकालना क्या नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट ऑफ एस, तो योर आंसर्स विल बी 41। वहां पे जो भी सुटेबल ऑप्शंस है 41 एंड डिजिट में आंसर्स था। यहां पे हमने कुछ की पॉइंट्स लिए हैं, अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स है सपोज ए बी सी, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर सबसेट यहां पे 2 की पावर 3 होगा। इन जनरल अगर एन एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट में, एन एलिमेंट्स होते हैं, सबसेट होता है 2 की पावर n। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के एग्जैक्टली सोल्यूशन पे कि क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या था। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन के इनकम्प्लीशन है तो यहां पर देख सकते हैं और या बैक करके भी देख सकते हैं। सोल्यूशन बढ़ते हैं क्या है, देखिए सेट लिया गया था 1 2 3 4, अब हमने दो सबसेट ऐसे लिए हैं, दो ऐसे सबसेट लिए जो डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है सपोज हम सबसेट लेते हैं 1 और 2 और एक सबसेट लेते हैं क्यू, क्यू में एलिमेंट है 3 और पी में एलिमेंट है 1 और 2। अब यहां पर एक ऐसा एलिमेंट जो एस में है वो उस सारे कंडीशन के लिए, जो क्वेश्चन जो कह रहा है उस कंडीशन के लिए तीन केसेस अराइज होते हैं, जैसा कि यहां पर ए पी सेट में तो है और ए क्यू में नहीं है। यहां दिखाया गया जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 एलिमेंट है वो पी में है और क्यू में नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट हो गया। ऐसे यहां पर पी में ना हो और क्यू में हो, जैसे कि 3 एलिमेंट देखो है जो पी में नहीं दिख रहा और क्यू में है, ठीक। अब एक ऐसा होता है कि दोनों में ना हो, ना ही ए में हो, पी में हो और ना ही क्यू में हो, जैसा कि 4 एलिमेंट, 4 जो है वो पी सेट में भी नहीं और क्यू सेट में नहीं है, यानी कि आपके पास 3 केसेस हैं। एक एलिमेंट के लिए 3 ऑप्शंस हैं, यहां पे लिखा गया एवरी एलिमेंट देयर आर 3 ऑप्शंस, तो 3 की पावर 4, यानी एलिमेंट हमारे पास 4 है तो 3 की पावर 4 टोटल एलिमेंट्स हुए 81। बस एक केस ऐसा राइज होता है कि 5, 5, ठीक है, ये एक अलग सिचुएशन है। यहां दिखाया गया है कि अगर वो दोनों सेट बराबर तब होंगे जब वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर थे, क्या थे, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मतलब है कि 1, 2 और 2, 1, ये अलग अलग है, उसने बोला अनऑर्डर्ड पेयर, क्या निकालना है अनऑर्डर्ड पेयर, तो यानी कि ये दो जो हम गिन रहे हैं 1, 2, 2, 1, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो 81 जो हमारा होगा, यानी कि 81 का क्या करेंगे हम लोग, एक हट जाएगा 5, 5 तो 40 हो जाएंगे, 40 ऐसे होंगे 80 हो जाएंगे, और 80 के मतलब 81 से हम 5 हटा देंगे तो बचेगा हमारे पे 80। अभी हमने अभी क्या गिन लिए, ऑर्डर पेयर, यानी 1, 2 और 2, 1 को गिना है, तो उसके आधे, तो ये आ गए 40 और एक अलग से ये जो था ये वाला 5, 5, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 41। अगर आपको कहीं सॉल्यूशन में कहीं पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बैक करके देखेंगे, पूरा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 81 क्या थे, टोटल थे, उनमें से एक ऐसा ऑर्डर पेयर है 5, 5 जो ऑर्डर पेयर नहीं है, क्योंकि 5, 5 और बराबर हो जाएगा। अब हमने यहां लिए ऑर्डर पेयर ले लिए, तो ऑर्डर पेयर मतलब 80 जो है वो ऑर्डर पेयर है, 1, 2 और 2, 1, हमें चाहिए अनऑर्डर्ड, यानी कि जो ऑर्डरिंग की है, जो दो गुना किया है उसको आधा करना है, तो 80 से आधा करेंगे तो 40 आएगा, और एक एक्स्ट्रा जो निकाला था वो भी गिनना है, वो क्योंकि अलग था, तो 41 टोटल हमारे सबसेट्स आ गए। तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, जेई मेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, परमानेंट कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं।
सुपर फास्ट डिवीजन में हम उस सेक्शन को या उस पार्ट को लेते हैं जो आपका बहुत वीकर सेक्शन हो या एग्जाम टाइम में जिसकी डिमांड हो। कमेंट्स के थ्रू आप जरूर सजेशन में या फीडबैक में दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक और कौन सी चीज आप पूरी पूरी एक्सप्लेन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमें मिले, तो आप यहां पर कमेंट्स करिए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए एक लिंक दिख रहा होगा www.marulaonlinetest.com, जाके अभी रजिस्टर करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि लगातार वहां पर टेस्ट हो रहे हैं, मॉडल टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज, कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मावला क्लासेस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आपकी क्वेरीज हैं तो क्वेरीज के लिए आप आस्क मावला नाम का ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप अपने स्नैपशॉट के थ्रू क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को रख सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस वहां पे हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मावला क्लासेस के जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, आप जरूर उन पर जाके उनका सपोर्ट, उनका सहयोग, और वो आपके लिए हेल्प के लिए, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। हेल्पलाइन नंबर जितने भी दिए गए हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हेल्पलाइन नंबर अलग दिया गया है, आपके नोटिफिकेशंस के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, फॉर इंक्वायरी यानी कि एडमिशन रिलेटेड कोई भी आपकी क्वायरी है उसके लिए अलग एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हमने कि कहां पर कौन सी प्रॉब्लम को रखना है, तो आप उनको यूज करते रहिए। धन्यवाद, नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे एज ए मावला क्लासेस के टीम मेंबर के साथ। हमें बोल रहे हो कि एज ए टीम मेंबर मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू।